हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक के लिए मैं एक ही स्टॉक सिलेक्शन किया हूं एंड स्टॉक का हम डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस हफ्ते का जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है जागरण प्रकाशन एंड आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है निफ्टी मीडिया वर्सेस निफ्टी का राशियो चार्ट। रीजन क्या है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए, जो जागरण प्रकाशन है वो प्रिंट मीडिया का स्टॉक है एंड देखिए मीडिया सेक्टर में ऑलरेडी हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम इस चार्ट को एनालिसिस किए हैं कि मीडिया सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है एंड धीरे धीरे करके अभी आपको शो कर रहा होगा आउट परफॉर्मेंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2012 में जिस टाइप का यहाँ पे डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ पे मीडिया सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, एग्जैक्टली 2012 का सेटअप यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जो कि इस चार्ट को हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस कर चुके हैं कि मीडिया सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आ सकता है, जो कि राशियो चार्ट में यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है एंड निफ्टी मीडिया निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस करने का प्रोबेबिलिटी हाई है अगर 2012 से 2017 का पैटर्न को यहाँ पे रिपीट कर लेता है तो। आई होप कि आप निफ्टी मीडिया वर्सेस निफ्टी का राशियो चार्ट को समझ पाए होंगे। इस चार्ट से हमको पहले से भी सिग्नल मिल रहा है कि आउट परफॉर्मेंस आ सकता है मीडिया सेक्टर एंड अनदर रीजन भी है मीडिया सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आने का, वो है 2024 का इलेक्शन। देखिए 2024 में जो इलेक्शन होगा ज़्यादा आर्ड चलेगा, आर्ड के वजह से मीडिया कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा जिनका इंपैक्ट उसका बैलेंस शीट में आएगा एंड रेवेन्यू ग्रोथ होगा, नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगा जिसकी वजह से प्राइस में वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। क्योंकि इलेक्शन टाइम में ज़्यादा खर्चा होता है आर्ड में, तो सोशल मीडिया में आर्ड चलेगा, प्रिंट मीडिया में आर्ड चलेगा, तो सारा कुछ यहाँ पे आर्ड के थ्रू चलेगा 2024 इलेक्शन के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जागरण प्रकाशन वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट, उसके बाद जाकर हम जाएंगे जागरण प्रकाशन के चार्ट के ऊपर जो कि हमारा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक है। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है जागरण प्रकाशन वर्सेस निफ्टी 500 का रेशियो चार्ट। लास्ट में जाकर हम जागरण का चार्ट देखेंगे कि किस टाइप का सेटअप बन रहा है। देखिए रेशियो चार्ट में प्राइस देखिए एक रेंज के अंदर टॉप में कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहाँ पे रेंज को ब्रेक किया। इसका मीनिंग क्या है, चार्ट ये बोल रहा था कि 2018 में आने वाले कुछ मंथ कुछ ईयर तक जागरण प्रकाशन निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म कर सकता है। एग्जाल देखिए 3 ईयर तक अप टू 2021 तक यहाँ पे जागरण प्रकाशन निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म किया। देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे एक बेस बनाया था, जैसे टॉप में यहाँ पे बेस बना, बॉटम में यहाँ पे बेस बना एंड बेस को भी ब्रेकआउट कर दिया है। इसका मीनिंग क्या है, बेस को जैसे ही ब्रेकआउट किया यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हो गया है कि आने वाले कुछ मंथ्स कुछ ईयर तक जागरण प्रकाशन यहाँ पे निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे टॉप में यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ था अप टू 2018 से 21 तक, एग्जैक्टली यहाँ पे कपल ऑफ मंथ कपल ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे आउट परफॉर्म आ सकता है जागरण प्रकाशन में। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे देखिए एक चार्ट में ऐड किया हूँ डाओ थ्योरी का। एज पर द डाओ थ्योरी प्राइस का 3 फेजेस होता है, अकुमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन। इन बिटवीन जो छोटा छोटा फेजेस है जैसे कि पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, एक्सेस फेज, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल की बताता हूँ। देखिए टॉप में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे कि अभी हम जागरण प्रकाशन में देखे थे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मतलब बियर मार्केट है। बॉटम में यहाँ पे अकुमुलेशन हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पे बुल मार्केट हो जाएगा। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके ब्रेकआउट एंड फिर से टॉप में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस टाइप का सेटअप यहाँ पे रेशियो चार्ट में दिखाई दे रहा है। देखिए क्लियर कट यहाँ पे प्राइस ने टॉप में एक बेस बनाया था, ब्रेकडाउन किया आउट परफॉर्मेंस एंड बॉटम में यहाँ पे बेस बनाकर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी कि ए स्टॉक आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कर सकता है, उसके साथ 2024 का इलेक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमको एडिशनल साइन देखने को मिलता है कि 2024 का इलेक्शन के वजह से ज़्यादा आड़ यहाँ पे प्ले होगा प्रिंट मीडिया में भी एंड सोशल मीडिया में भी, इसलिए तो ए स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस आना अभी से स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जागरण प्रकाशन का चार्ट, यहाँ पे कि एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है एंड इस टाइप का ब्रेकआउट में हमको एक रिस्क रिवार्ड डिफाइन करके हमको एंट्री कर सकते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद
बॉटम में यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ था, ओके। एंड जो बेस फॉर्मेशन हुआ था मतलब अकुमुलेशन हुआ था, जैसे कि प्रीवियसली हम चार्ट में देखे थे कि अकुमुलेशन, मार्कअप, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से बियर मार्केट, फिर से अकुमुलेशन, इस टाइप का चार्ट में प्राइस रिपीट होता ही रहता है, ओके। देखिए क्लियर कट यहाँ पे अकुमुलेशन जोन था, अकुमुलेशन को यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट कर दिया है। एंड ब्रेकआउट करने के बाद जिस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस उसका लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 205 के आसपास। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा रिस्क को डिफाइन करना, क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है स्टॉक मार्केट में। रिस्क एंड क्वांटिटी को मैनेज करना है। देखिए इसी केस में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है, जो यहाँ पे स्विंग लो बन रहा है ना नियरली 66 के आसपास, आप बिलो 66 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड करंट प्राइस क्या चल रहा है, 108। अगर करंट प्राइस से स्टॉप लॉस का लेवल हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट हो रहा है स्टॉप लॉस, 38%। देखिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम ले नहीं पाएंगे एक ही स्टॉक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमको एंट्री लेवल को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए स्टॉक का प्राइस कभी भी डायरेक्ट ऐसे कंटिन्यूएशन मूव नहीं करता है, हमेशा से कुछ ना कुछ पुल बैक करेगा। तो पुल बैक कहाँ तक करेगा, तो हमको एंट्री करना है जहाँ पे कि हमारा 20 से 22% के आसपास होगा, वहाँ पे हम एंट्री कर जाएंगे। आप यहाँ पे मान सकते हैं नियरली 23% हो रहा है 88 के आसपास। आप यहाँ पे मान सकते हैं अगर 90 से 66 इस जोन में इस स्टॉक का प्राइस होता है हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसी जोन में हमारा जो रिस्क बन रहा है 23% का, 23% एक मैनेजेबल स्टॉप लॉस है, 38% थोड़ा हायर साइड में हो रहा है। 95 से अगर ऊपर एंट्री करेंगे आपके लिए रिस्क हाई रहेगा, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस को रिड्यूस करेंगे तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को अप टू रिड्यूस कर सकते हैं 75 तक, जो कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है 65 का, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम का स्विंग देखेंगे तो आप यहाँ पे 75 तक आपका स्टॉप लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड 75 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है नियरली 30% के आसपास, और यहाँ पे स्टॉप लॉस को थोड़ा रिड्यूस कर दूंगा जहां से कि 20% के आसपास रहेगा, वो बनेगा 95 के आसपास। अभी के लिए आप 95 पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिएगा 75। ये हो गया पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन हो गया 90 में एंट्री कीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 65। आपका रिस्क अपेटाइट के हिसाब से जो भी सूटेबल लग रहा है उसी हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। फास्ट एंट्री इधर 95 के आसपास आएगा, वहाँ पे आप फास्ट केस को फॉलो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑफ 75, नहीं तो 90, स्टॉप लॉस ऑफ 65। इस दोनों केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 20 से 22% के आसपास, 40% के आसपास स्टॉप लॉस थोड़ा हायर रह जाएगा, इसलिए आप इस दोनों केस को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा। एंड हम टारगेट क्या रखेंगे, अगर हम 90 का एंट्री रखेंगे ना, तो टारगेट बनेगा नियरली 100% के आसपास तो होना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस लेंगे 25% का तो 100% नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। तो लाइफ हाई जो बन रहा है 125% के आसपास बन रहा है, तो आराम से आप यहाँ पे लाइफ हाई तक इसका टारगेट को रख सकते हैं 95 के ऊपर एंट्री करके। एंड स्टॉप लॉस दो बन रहा है, 95 का एंट्री 75, 90 का एंट्री 65। जो आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सूटेबल लग रहा है उसी को फॉलो कर सकते हैं। एंड हमेशा से आपका क्वांटिटी को मैनेज करना है, क्योंकि क्वांटिटी मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी चार्ट स्ट्रक्चर के लिए। एंड देखिए स्टॉप लॉस के लिए ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन 2024 का इलेक्शन, उसके साथ निफ्टी मीडिया का आउट परफॉर्मेंस एंड उसके साथ जागरण प्रकाशन का बेस्ट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, तो सब कुछ साइन दिखाई दे रहा है प्राइस अपमूव कर सकता है। अगर किसी भी तरीके से डी मिलता है, जो कि मिलेगा, ऐसा नहीं कि प्राइस ऐसा ऊपर चला जाएगा, कभी ना कभी मौका मिलेगा, उसी मौका में शायद कल मिल सकता है, नहीं तो दो दिन के बाद मिल सकता है। जब भी एक बार मार्केट में पैनिंग आएगा उसी स्टॉक को, इसी स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।